फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ, और देख रहे हैं आप ये फूल कितने सुंदर हैं, बिल बहुत ही सुंदर हैं। और ये रेनिकुलस के प्लांट हैं और ये विंटर में लगाने वाला एक प्लांट होता है, मगर मैं नर्सरी गई थी तो ये अभी इतने ज़्यादा नर्सरी में आए हैं कि मैंने कहा कि ले लेती हूँ और फिर इसकी ग्रोथ भी हो जाएगी। और ये खूब थोड़ा सा अप्रैल मई तक चल जाएंगे, इसलिए मैं इनको लाई। और मैं रिपोर्ट करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखाऊं। ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं, शेडेड है लाइक अ सूरजमुखी के जैसे, बिल्कुल। और सूरजमुखी से कंपेयर कर सकते हैं और आप गुलाब से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मिनिएचर गुलाब होता है, अच्छे लगते हैं। मैं लाई तो मैं सोचा आपको भी दिखाऊं। और इस समय नर्सरी में यही बाहर आई हुई है फूलों की, तो मुझे अच्छे लगे मैं लाई। और मैं रिपोर्ट करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं कि मैं कैसे रिपोर्ट कर रही हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इनको मैं एक तरफ ही रख देती हूँ। ये काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे लाए, तो मैं अब मैं देखिए मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये जो मैंने मिट्टी है, मैं कैसे अपनी मिट्टी बनाती हूँ, वैसे तो मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन चलो मैं और फिर से बता देती हूँ। ये देखिए मैंने 40% गार्डन सॉइल ली है, इसमें थोड़ी सॉइल कम ही लेते हैं। और ये 30% मैंने रेत ली हुई है। और ये मैंने थोड़ा कोकोपीट लिया हुआ है, आप 10 या 20% ले लीजिए। और ये है ना, इस बार मैंने ये पत्ती की जो खाद है ये मैंने पत्ती से बनाई है, और ये लीप कंपोस्ट कहते हैं। और इसको पत्तियों को सड़ा के बनाया जाता है, और मैंने इसको पहली बार बनाया है तो अब मैं इसका ही यूज़ करूँगी। तो ये खाद हो गई, कोकोपीट है, और ये बालू हो गई, और ये आपकी गार्डन सॉइल हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा फंजीसाइड मिलाऊंगी। तो ये देखिए ये थोड़ा फंजीसाइड है 1 चम्मच, और ये है बोन मील। आप कोई भी फूल वाले पौधों में बोन मील मिला दीजिएगा, क्योंकि फूल वाले पौधों को ना फास्फोरस चाहिए होता है, और ये फास्फोरस और कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है इसलिए। और ये मैंने सरसों खली ली है, ये सरसों खली है, इससे ना फंगस नहीं आता है, ठीक है। ये मैंने ये सब इसमें मिक्स कर दूंगी। और इस समय गर्मी में कोकोपीट मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है कि ये जो है ना कि मॉइस्चर को बनाए रखता है। अब मैं इन सब को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, ये देखिए कितनी पोरस मिट्टी बन गई है। ये बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है प्लांट के लिए। ये मिक्स करने के बाद मैंने ये जो पॉट सिलेक्ट किया है, मैं इसमें तीनों प्लांट इसी में लगा दूंगी। इसमें मैंने होल कर लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक एक दो होल करना पॉट में बहुत ही ज़रूरी है। तो होल करने के बाद इसमें अब मैं टिकरी रख दूंगी, एक एक करके टिकरी रखना है कि होल को कवर हो जाए। ये दिख रहे हैं आपको, ये होल में टिकरी रख दिया मैंने। ये अच्छे से इसको कवर कर लिया है मैंने। अब मैं ये जो पत्ती है ना, ये पत्तियां इसमें फिल कर दूंगी, ये बहुत अच्छी कंपोस्ट बन जाएगी बाद में। तो मैं नीचे हमेशा पत्ती डाल देती हूँ, मिट्टी डालने से पहले ना पत्ती डाल देना चाहिए। ये देखिए ये बाद में बहुत अच्छी कंपोस्ट बन जाएगी, ये अब बाद में सड़ जाएगी। अब इसके बाद में इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी।
अब मैं तीनों प्लांट इसमें ही लगाऊंगी, ये जो प्लांट है अब मैं इसको अलग कर लूंगी। कोई भी फूल वाले पौधे लाए ना आप, इसके रूट बॉल को बिल्कुल ना छेड़ें, क्योंकि ये सीजनल प्लांट होते हैं और इनकी रूट है ना बहुत बहुत ही कमज़ोर होती है, और इनको जल्दी से ये शॉक में आ जाते हैं। ये देखिए, ये ना पूरा ऐसे बिल्कुल मैं ऐसे ही लगाऊंगी, ऐसे ही रख दूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। ये सीजनल प्लांट होते हैं इसलिए इनकी मिट्टी को नहीं, ज़्यादा नहीं हटाना चाहिए। कुछ लोग हटा भी सकते हैं लेकिन मैं नहीं हटाती, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत कमज़ोर होती है, तो मैं इनको ऐसे ही रख दूंगी। और ये तीन कलर के हैं, ये भी फाड़ लूंगी और इसका शेड आपको दिख रहा है कितना प्यारा है यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, मैंने ये तीनों ऐसे ही लगा दिए। ये जब तीनों भर के फूल देंगे ना, तो अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दूंगी। वैसे तो ये विंटर का प्लांट है और लेकिन अभी भी इसमें फूल आ रहे हैं, और मुझे मेरे पास नहीं था इसलिए मैं ले आई। और ये मैं अगले साल के लिए इसको बचा लूंगी, क्योंकि इसके इसके रूट्स हैं ना, ये इसके बल्ब होते हैं इसमें, फिर ये बल्ब से भी ग्रो हो जाता है। ये जब सूख जाने दूंगी तो फिर मैं इसमें इसको अच्छे से दबा दबा के भर दीजिए, एयर पॉट्स ना बचें, क्योंकि इसमें अगर गैपिंग होगी तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप टैप करके भर दीजिए। ये भर गया है, अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। अब इसको पानी डाल दीजिए, आप पूरा पानी डालिए जिससे नीचे तक ये पानी निकल जाए। एक बार पानी डालने के बाद, अभी हमने इनको रिपॉट किया है तो 1-2 दिन के लिए आप इसको छाया में रखिएगा। अब मैंने ये तीनों लगा लिए, आपको दिख रहे होंगे, मैंने एक पॉट में तीनों लगा दिए हैं। ये देखिए, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।